नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत करवामां आवे छे। पुस्तकनुं नाम छे योग ऋषिनु मार्गदर्शन चेतवणी अने प्रेरणा। आजनो विषय छे गुण कर्म तथा स्वभावनी शुद्धि। बीजाओनी मदद मेळवा माटे जेमना दरवाजा खखड़ावानो जेटलो प्रयत्न करवामां आवे छे एटलो ज प्रयत्न पोते स्वावलंबी बनावा माटे करीए तो वधारे सफलता मळे। एक ज देवता एवा छे जेम साधना परिणाम अवश्य मळे छे, ते शक्तिशाली महादेव छे, आत्मदेव। आत्मदेव की उपासना अर्थ छे पोताना गुण कर्म और स्वभाव ने शुद्ध अने पवित्र बनावा। मनुष्य अपार शक्तिओ रहेली छे, थोड़ा ज प्रयत्न करवाथी तेमनो जागरण थई जाय छे। ए माटे एक ज शरत छे के ए माटे तत्परतापूर्वक उत्कृष्ट प्रयास करवो। महामानवना जीवनना डगले ने पगले आ हकीकत जोवा मळे छे। तेमणे पोताना गुण कर्म अने स्वभावने व्यवस्थित अने उत्कृष्ट बनावानो प्रयास कर्यो छे। ज्यां सुधी आत्मविजयनी तपस्या पूरी रीते फळदायी ना बने त्यां सुधी तेमना प्रयत्नो चालू ज राख्या। आळस तथा प्रमाद ए बे दुर्गुणो माणसनी शक्तिनो सौथी वधारे नाश करे छे। अस्तव्यस्त अने अव्यवस्थित लोको अमूल्य समय वेड़कता रहे छे, एना परिणाम तेनुं सौभाग्य पण गुम थई जाय छे। पुरुषार्थी श्रमशील मनस्वी अने कर्मपरायण मनुष्य निरंतर आत्मनिर्माणमां संलग्न रहीने थोड़ा समयमां ज एटला बधा सुयोग्य अने सक्षम बनी जाय छे, ए पोतानी योग्य आकांक्षाओने सहज रीते पूरी करी शके। ईमानदार भला અને ચરિત્રવાન માણસ બનવું તે એક બહુ મોટી પ્રાપ્તિ છે। તે પ્રમાણિકતાના આધારે બીજાઓને પ્રેમ તથા સદભાવ સહજ રીતે મેળવી શકાય છે। આતંકવાદી અને ઉંદર વ્યક્તિ જેટલી અહંકારી બને છે એના કરતાં અનેક ગણું સન્માન વિનયશીલ અને સુસંસ્કારી વ્યક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે। સ્વાવલંબીની સાધના કરનારા લોકો જ પોતાના મનોરથો પૂરા કરવાનું વરદાન પ્રાપ્ત કરે છે। આ હકીકતને જેટલી વહેલી સમજીએ એટલું શ્રેયકર છે। અખંડ જ્યોતિ April 1973। જય ગુરુદેવ, જય ગુરુદેવ, જય ગુરુદેવ।